पता लगता है पहले मान लो कोई पता नहीं लगता कौन ला गया कितना ला गया और बैठे होने उस वे जो रिश्तेदार थी जो मेरा मेरा करते थे खुशामदा करते थे जो हर वक्त नौकरी चलेंगे मेरे भी नहीं खड़ते प्रेस बन के सू कुछ बनने वाले सचिवालय सलाह करते थे आम तो साढ़े ये जब मौत मुकन जाते हैं तो चिंका तोड़ते हैं कोई तौड़ी तोड़ दिता भी साढ़े पहले कुछ हलते कुछ पास सवाल करते मुक्ति कोई जगह है वो निम खाते हैं उस वे कि हम तू समझना कौन लगता है तो निम्बू क्या उस सारे तल टूट जाते हैं कोई मेरे नहीं खड़ता हां जित दिन देगे दिन सुसी तित वेले कैसन प्रेत पकड़े चलाए न दूत जम किसे न देनी पेत छद खड़ोते खिने माए दिल सो लगा हेत हाथ मरोड़े तन कंपे त्यागो गोया सेत जब मौत आती है जमदूत जाते भी रूह में खिंचते पे ने तो बड़ी तकलीफ होंगी है जिंद माणी कढ़ीए हड्डा को पड़काए हड्डा कड़कदियां ने हड्डिया रंग का काला पीला हो जाता है वो बेचारे से मुसीबत पई होंगी है जे घर वाले कोल बैठे होंगे ने तो कहने कुछ रखे तो दस जा अपनी पई होंगी उन्होंने अपनी पई होंगी है ओह किसी की औरत मरी कहना मैंने ये भी दस के जे भी ठीक लेने देना है दस के भी नहीं कहने हाल तो यह है उस वे कहने की नसीब पई होंगी उन्होंने अपनी बनी होंगी है उन्हें अपनी बनी होंगी है छद खड़ो ते खिले माए जिन सो लगा गेत हाथ मरोड़े तन कंपे त्यागो गोया सेत जे हाबी जे सोलुए करमा संदड़ा खेत नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत ने प्यार पाया थी पुत्रा तिया ना कमा मजबा ना हो रिश्तेदार ना उन्हें पिछे चोरियां ठगियां रिश्ता सौ छापे कीते कतलो खून कीते जब मौत आई तो फिर की हो जेड़े कर्म ने वो भुगतने पाए उन्होंने नरका च गया पहले पहले जुना च गया हूं जेड़ा कीता भोगना पा उसे कोई माफी नहीं हाथ मरोड़े तन कंपे त्यागो गोया सेत जेवा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत नानक प्रभ शरणागति चरण बहित प्रभ देत गुनाम साहब मालक की बेनती करते हैं गुरु साहब क्या सतगुरु अ मालिक अस संसार समुद्र से रोई जाते पाए हाँ तेरे चरणों का आसरा लेने और कोई संभालने वाला नहीं तू सानू रुढ़ते जाने बचा ला है नानक प्रभ शरणागति चरण बहित प्रभ देत से पादुए नरक न पाई है गुरु रखण वाला गेत पादु ने महीना क्या मनुख जन्म पा के अगले सतगुरु की भर्ती करता है अगले सतगुरु की भर्ती करता है जम्मू नेड़े नहीं आते नरक नेड़े नहीं आते कोई नहीं नरक पाने वाला भी नहीं अगर ठीक अपने सतगुरु जी अपने सतगुरु तक कोई नहीं करता बाहर ने सारे करते पे ने अपने अंदर वाले तक कोई नहीं करता जमदूत भी अंदर है सतगुरु भी अंदर है जो भी भर्ती करे जे किसी मौके गिर भी जाए ता भी इन जमदूत नेड़े नहीं आते जिन्हें सतगुरु सिर चितलाया तो खाली कोई ना है जिन्हें जम की तलब ना हो गई ना हो दूसरा है बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक ना जाए बगैर गुरु भर्ती के अपनी सतगुरु की भर्ती के बगैर कोई छुटकारा नहीं कोई बचा नहीं हाँ जी
असुन प्रेम उमारड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन करी कोई आन मिलावे माए। पशु का महीना क्या मनुख जन पा के कहने सामू मन से डांडा प्यार है डांडी खिचा डांडी तड़पा ने दर्शन दी कहने फिर अस की करिए हम अगे कहने हाँ। असुन प्रेम उमागड़ा क्यों मिलिए घर जाए। मन तन प्यास दर्शन करी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हूं तन के लागा पाए। बिन प्रभु को सुख पाई है दूजी नहीं जाए। कहने मालिक का प्रेम पैदा करने वाले संत ने मालिक नु मिलावन वाले संत ने उन्हें को जाइए उन्होंने कर्म से डिगे मालिक उन्होंने वस चाह दूर उठा कर कि वस न आवे हर सो कुछ करे जो हर क्या संता पावे किता लोड़न सोई क्राइम करते न कोई भाई ना। ने राम समिति संत है वह जो करें सो होए वह जो करें सो होए हुक्म में उनके साहिब संत कहे सोई करें राम न करते बाहर। अगर मुसलमान फकीर रहे हैं तो वो यही कहने ने औलिया कुदरत अगला इज्जत का बाग गर्दान जिला औलिया अल्लाह इन्नी ताकत है कि दरगाह चो चले तीर भी वापस कर दे। फिर तुझे सवाल किया क्या मालिक के शरीक ने कहना नहीं वो मालिक के प्यारे बच्चे ने प्यारा बच्चा जो मर्जी वापस करा दे। मालिक प्रेम है संत मालिक के रंग भी चिरंगे होंगे उन्होंने अंदर मालिक का प्रेम ठाठा मारदा है जेड़ा उन्होंने सबक जाता है वह भी रंगया जाता है। मां पवित्र साध का संग जिस पेट लागे प्रवरंग जो परसों से पेट लगावे तो नीचे हर को अपनावे महात्मा चरणदास कहने सब बिना निको माता है। ऐसे तो सारी कहने ने कि मालिक ना प्यार करो सोच लो कीमती गल है सारी दुनिया कहने मालिक ना प्यार करो पर जड़ी चीज अभी देखी नहीं प्यार किस तरह आवे जड़ी चीज देखी नहीं उसका प्यार नहीं आ सकता। नदरी आवे तिसो मोह क्यों मिलिए प्रभु नाशित होए कर कृपा मोहे मारे पावो साथ संगत के अंत लाओ। कि जिहड़ी चीज अखां नाल दिसदी है उह नाल साडा प्यार है तेरे नाल किवें करिए कोई सानू ऐसा साधु मिलाओ जिहड़ा तेरा प्यार सिखावे जिहदे नाल प्यार तेरे उहदे प्यार नाल तेरे कोल पहुंच सकीए। संतां दा प्यार ही नूं विखिच के लैके जांदा बाकी कोई चीज नहीं। बुल्ले शाह ने कहा जिसके का इश्क मजाती लागे सोई ना सीधे दिन लागे। इश्क मजाती दाता है जो पिछों मस्त हो जाता है ये पहला देह का प्यार शुरू होता है वो अगे खिंच के लै जाता है। ये मुसा ने कहा लव बिगिंस इन द फ्लैश एंड एंड्स इन द स्पिरिट ये पहला मास से शुरू होता है जिसम से शुरू होता है फिर आत्मा च घुल मिल जाता है। उन्हों का प्यार है जिन्हें अगे खिंच के लैके जाता अगर उन्होंने प्यार नहीं मालिक का रूप अगर दुनिया कोई है तो संतन देह है वो कोई नहीं। लख पुरुष की आरती संतों की है दे लखा जो चाहे लख को इन्हीं में लख ले उन्होंने प्यार इन अगे लगे जाता है। दुनिया का प्यार दुनिया च नहीं आता है मालिक का प्यार संतों के जरिए मिलता है संतों का प्यार अगे दरगाह च ले जाता है। संत सहाई प्रेम के हम तिनके लादा पाए। बिन प्रभु को सुख पाई है दूजी नानी जाए। जिन चाख्या प्रेम रस से तिरपत रहे अधाए। आप त्याग विनती करे ले हो प्रभु नर लाए। जिन संता को गए उन्हें सब की उन्होंने अंदर मालिक का प्यार वधदा गया दुनिया का घटता गया जो जो वधदा जाता है दुनिया का प्यार घटता जाता है। फिर वो मालिक अगे की बेनती करते हैं क्या मालिक तू साडे इस प्यार नूं वधाई जा सानू होर किसी चीज की लोड़ नहीं ना तन की लोड़ है ना मन के विषय विकारां की लोड़ है ना दुनिया के किसी होर सम्मान की लोड़ है एक तेरे प्यार की लोड़ है।
राज न चाहूं, मुख न चाहूं, एक पीठ चरण कमला रहे, तो तेरे चरण में पीछे रहे और कुछ नहीं चाहिए। एक दादू साहब कहने, दादू जो कुछ हमको दिया सो सब तुम ही ले, तुम बिन मन माने नहीं दर्श अपना दे। पहला पहला तक इन्हें प्यार करता है, पहला तो कहना पत्थी धर्म जो संत को आता है वो प्यार बढ़ता जाता, फिर कहना बस मर कर फिर पत्थी करा, मैंने तो रोटी खाने में चंगी तरह नहीं चल। जिम्मे नाम उन्हें किया नामदेव ने, दो सिरे आटा दे दे, अच्छे नून दे दे, पाइया घ्यो दे दे, एक लवेरी दे दे, एक घोड़ी दे दे, एक बिस्तरा दे दे, एक आज्ञाकार औरत दे दे। फिर देखता है जब इतने आ जाता है, जब हो प्यार बढ़ जाता है, फिर कहना ये भी झंझट ने, एक घोड़ी भी मैं की करनी है, एक गैन भी की करनी है, मुंडे ले लू थोड़ा घना दुद्ध, फिर कहना ये भी की करने ने, फिर कहना जिम्मे इस ने क्या मैंने रोटी रोटी दे दे। जब इतने आता है फिर कहना भी झंझट है मालका रोटी दे ना दे, ख्वाहिश तो फिर ही, फिर कहने कितनी ही चाहिए जाए जिसम भी जाओ कोई नहीं चाहिए मैंने। इस तरह संत सुख चाहते प्यार बढ़ता है, इश्क बढ़ता है, कहने जिन्ना जिन्ना ने उन्हें सुख की मालक का प्रेम बढ़ता गया, दुनिया का करता गया, वो मालक से कुछ भी नहीं मांगते कि मालक तू चाहिए और कुछ नहीं। जो बकुंठ तक का भी ख्याल आया तब भी मालक नहीं मिलता, जब मालक बकुंठ की आस तब लग हो न चलने का, कहो कुछ भी नहीं मांगते कि मालक तू चाहिए बस कुछ भी नहीं चाहिए। जिन चाखिया प्रेम रत ते तिरपत रहे अघाए, आप त्याग बिनती करे ले वो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से बिछड़े कते न जाए, प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक हर सर राए। कंस ने अंदर मार्ग का प्रेम बस किया, दुनिया में कट गया, जो जो वादा गया मार्ग दरगाह पहुंच गए, दुनिया में प्रेम चले गया, सिर्फ मार्ग के मार्ग रह गया, मार्ग दरगाह चले गए, वो उन्होंने जन्म मन मुख में फिर मार्ग को भी छिड़ देंगे। मालक से बेनती करे, मालिक तू साढ़े भी मेहर कर, सानू भी नाल मिलाना। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर तेरी शादी जाए, तेरे घर सा कौन है, तू अपना प्यार बख्श। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर तरणाए, अतू सुखी बसंदिया जिन्ना मया हर राए। कहने अक्सू का महीना क्या मनुख जन्म उन्होंने सफला, जिन्ना ते सतगुर ने मया किसी मेहर की, तो कम फिर मिलाया कम सब मिलाया, उन्होंने सुख की मालिक का प्रेम जाग पिया, मालिक को पहुंच गए, वो जन्म सफला करके बाकी सब बर्बाद करके चले गए। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए, अच्छू सुखी बसंदिया जिन्ना मया हर राए, सत्यक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते पुन्या व्यापन सबे रोग। कत्तक दा महीना क्या मनुख जन्म पा के ए जेहे कर्म करदा ओहे भोगदा, जेहे कर्म करदा ओहे भोगदा, कहना किसे दोषां दे तेरे कम्मां दा फल आ। ये जेहे ऊंट बैल गधे घोड़े बनने ने पूजा आदमी खिलाड़े लंगड़े ने लूले ने गुन्ना सुकाना देख लो, कोई बीमार है, ये सारे कर्म नतीजे ने, सारे अपने कर्म ने किए ने, ये कर्मी है जेड़े ग्रंथ भुगता फिर 30 लाख किस्म के दरख्त ने, 22 लाख किस्म के कीड़े पतंगे ने, 14 लाख किस्म के पंखी ने, 9 लाख किस्म के पानी के जीव ने, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जस किन्नर गंधर्व इंसान हैवान देवी देवते वगैरह ने, ये सब कर्म के सिलसिले ने, ये चंद सूरज वगैरह जिन्ने हैं ये सब कर्म के सिलसिले ने अपने जीवें भोग देता है, सब कर्म के सिलसिले ने, जब सब कर्म के सिलसिले इतने आने हैं, जिन्हें भर्ती नहीं की कर्म के सिलसिले भजे गए, अपने कुछ चंगी माड़ी जीवें भोग देता है।
कटक कर्म कमावणे दोषण काहू जोगे। परमेश्वर पे पुनिया व्यापण सबे रोग बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिल में कौड़े बोए गए जितने माया पोग। कन्हैया मनुख जन्म जड़ा है कीमती तो कीमती है ये विच मालिक नूं मिलना सी जे हुण ना मिले जन्म जो क्या जुगा जुगा फर्क पै जाना। फिर तिरासी कदे टूटो फिर कितने आदमी जुनी मिलती है फिर भी की पता है भर्ती करे या ना करे केड़ा पता है। जेड़े समान कट्ठे कीते सी जमीना जायदादां कारखाने होर जिस वक्त माता ने छड़दा फिर कहना ओहो मेरे केड़े कम आए। हुण तां वक्त गुजार गया फिर देखा ओहो मेरे केड़े कम आए। हाय छड़ चलिया हाय की करा हूं की बनना। मोहम्मद गजनवी मुसलमान बादशाह होया उन्हें हिंदुस्तान से 17 हमले किए। एक सोमनाथ का मंदिर थी कहने हीरे जवाहरात थी बस जगह जगह हीरे जवाहरात किए सब कटते लै गए। लुप्त का समान जिस वक्त मौत आई कहना भाई मेरा समान दिखाओ बाजारा ने बाजार ला गए समान दे पालकी थी निकलिया हाथ बाहर कर ले कहना ये सामान पिछे लखा औरतां विधवा कीतियां लखा बच्चे यतीम कीते लखा भैणां दे प्राण जुदा कीते लखा मां दे पुत जुदा कीते हजारां होर पाप कीते अज मेरे नाल नहीं आंदा ये हाल सारी दुनिया दा। मगर पछताउंदा हया की बनिया हुण तक फिर गुजार गया मन की भगती ना की फिर दुख आउंदा ये नाल नहीं जांदे अगे फिर जिंदू तां डंडे खड़े रहने वाले। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े बोए गए जितने मारा भोग। बिच न कोई कर सके किसे रोवे रोज। कीता किछु न हो वही लिखिया तुर संग संजोग। हुण जिहड़े समान कट्ठे कीते सी या पुत्रां धीआं नूं मंगदा पाईआं सी कोई नहीं कोई किसी नूं नहीं दे सकदा। मैं अर्ज कीती सी जे पाकिस्तान बणिआ तेरे पुत्र तेरे कम आए जमीना जगह दे कम आईआं कारखाने कम आया मैं पुछ के देखो एक ही न्याय कहां कितों आ गए एक ही न्याय जब पहले पहले कम किते तो नरकन जग चढ़ना पिया पहले पहले जुना जाना पिया। बिच न कोई कर सके किसे रोवे रोज। कीता किछु न बोवई लिखिया तुर संजोग। वड पागी मेरा तब मिले तांतरे तब बियोग। नानक को प्रभु राख ले मेरे साहेब बंदी मोच। कमेश मुसीबत दे मौके ते मेरे नूं तू कम साधु मिल जे सतगुरु निशान मिल जे नाम जपना शुरू कर दे ता तेने सारे सोच मिट जान सब झगड़े मिट जान। अब मालिक से बेनती करने के मालिक तू बंदी मोच है क्या कैदी नु खुलासी देने वाला है अस 84 लाख की जून दे कैद फसे फिर तू बंदी मोच है साडी भी खुलासी कर दे सानू भी छुटा ला। वड पागी मेरा तब मिला ता उतरे तब बियोग। नानक को तब राख ले मेरे साहेब बंदी मोच। नानक को तब राख ले मेरे साहेब बंदी मोच।
कब तक होवे साध संग दिल से सबे सोच। कहने कब तक दा महीना क्या मनुख जन पाके अगर इन कम साधु मिल जाए तो शर्म मिल जाए ये नाम जपे तो सारे झगड़े मिट जाने चांगा ते जाने ना पवे चांगा हरका किया हर दिन सेव ने ना आवे सार संग चांगा करे सेवा बल्कि सेवा करन लग जाता है। नाम फकीर होया ने कहा तुरा बरोजे साहब इन अमर शब्द मालूम के बोर्ड सबने दरवेशी जब तेरा साहब का दिन आएगा तरंगा से जाना पाएगा कितने लोग तरंगा से जाते ने तेन पता लगू कि तरंगा ने ताकत नहीं तेरा हिसाब भी मंग सके अगर इन काम सब को मिल जाए तरंगा हिसाब भी नहीं मंगता। हाँ नाम के लिए सब काटे तरंगा के कागर पाटे जो कोई संत सन के दागी तिनते काल दूर है भागी जम की जान नित नहीं आवे मार्ग छोड़ अलग हो जावे जिंदू नेड़े नहीं आवे। मन घर माहे तू हंदिया अरे फिर संग बैठिया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया। मगर का महीना क्या मनुख जन पा के अगर इन मन की सोच मिल जाए मन कितने रहा सर कहने मन मेरा पंछी दिया चढ़ कर उड़ा आकाश सरल लोग खाली पड़ा सात संतन के पास किस संयोग पाए पाल सात संगत में बसे गोपाल। मुसलमान की ने किया हर के पाही हम नशीनी बा खुदा वो नशी अंदर हजूरे आ लिया कि जेड़ा कोई चाहता है मैं खुदा के नाल बैठा वो संता महात्मा के नाल बैठा हम नशीनी सायते बालिया वे तेरा सब साल अतायत दे रहा उन्होंने एक कड़ी की सोबत बाल प्रेम ना की थी सौ साल की बंदगी ना ज्यादा चंगी है घर सभी दूर आज हजूरे आ लिया दर हकी के दूर कैसे यार खुदा जब तो संता महात्मा की सोबत दूर हो गया समझो खुदा से दूर हो गया। तो कहने अगर मनुख जन पा के इन किसी कम साधु ना बैठना मिल गया उसे नाम जपया मालिक दरगाह पहुंच गए कहने उन्होंने शोभा वास्ते कोई लफ नहीं असि उन्होंने शोभा कर ही नहीं सकते असि उन्हें शोभा कर ही नहीं सकते वो बड़े उच्चे भागा वाले ने। हाँ जी मन घर माहे सुहंदिया अर फिर संग बैठरिया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मोलिया राम प्यो संग साध सिंह लड़िया साध जना के बागरी ते रहन अकेलरिया। कहने मैंने साधु सोच गए अपना तन का प्यार छड़िया मन दे विषय विकार छड़े इंद्रिय ललता छड़िया अपना तन मन सारा कुर्बान करता तन का प्यार छड़ गया ऐसे ऐसे सब छड़ के मर्द दे लेखे लाता कहने वो आजाद हो गए बरखिलाफ इसते जिन्होंने कुछ काम साधु नहीं मिलेगा क्या मालिक अंदर है खाली आए तो खाली चले। तन मन मोलिया राम जो संग साध से गे लड़िया साध जिना ते बागरी से रहन अकेलरिया तिन दुख ना कबू उतरे ते दम के बस पड़िया। जिस वक्त मौत आती है या तो सतगुर जान कढे लै जाए सरल रूप चाहता जे चोले चाहता बाहर उस ग्राम आ के लैके जाता या जमरूत लैके जान जेड़े इन्हां तक कल साधु मिले सतगुर का नाम जपता है या थोड़ा जपया ओदी मौत के वक्त सतगुर आएगा साधु ने रूप चाह के उसे रूप चाह के इन लै जाएगा और वो खुशी खुशी जाएगा उसका चेहरा अगे ना भी चंगा होगा पता ही नहीं लगता मरिया गया है जिसम नहीं आकरूगा क्यों मेरे को खुशी होंगी है बरखिलाफ इसे जिन्होंने साधु नहीं मिले वो रोंदा पिटता जाऊ
जिस माकड़ जू बुरा हाल हो कहना अकेला में कोई साथी नहीं कोई संभालने वाला नहीं तेन दुख ना कब ही उतरे डंके बस पड़ी आगा दिल्ली राया प्रभ अपना ते दिसन नित खरी आगा जिन्हें जिन्हें ने सब संग जाके मालिक का नाम जपया मालिक को खुश कर लिया वो मालिक दरगाह पहुंचे रोज मालिक दरगाह आते ने जाते ने हर वक्त लुत्फ लेते ने रतन जवे घर लाल हरे कंठत ना जड़िया नानक बाचे तूड़ते न तब सरनी दर पड़िया हीरा मोती जवाहर ये दुनिया में कीमती तो कीमती चीजा ने दुनिया में कीमती तो कीमती चीजा ने अगर इन्होंने कीमत के हिसाब ना उन्होंने कदर कभी हिसाब मान ली जे मालिक की दरगाह पहुंचते हैं कभी कुछ भी कीमत नहीं रखते क्या उन्होंने शोभा हो ही नहीं सकती कभी असी भी उन्होंने साधन भी साढ़े सिखाने वास्ते कह रहे असि भी उन्होंने साधन भी तोड़ बाजते हैं तोड़ चाहते हैं ताकि असि भी संघ जाके मालिक की दरगाह पहुंच जाइए असि भी उच्चे हो जाइए शोभा वाले बन जाइए जिन्नी रावया प्रभ अपना ते दिसन नित खरी आगा रतन जवेगर लाल गर कंठ तिना जड़ी आगा नानक बचे तूर तिन सब तरही दल पड़ी आगा मंदिर प्रभ आराधना बौड़ न जनमड़ी आगा कहने उन्होंने चरणों की सूबत मांगते हैं उन्होंने सोबत मांगते हैं कहने जिन्होंने उन्होंने सोबत जाके मर्द का नाम राध्या मर्द का नाम जपया वो मर्द दुर्गा पहुंच गया उन्हें जन्म मन मुक गया उन्होंने जन्म सफला हो गया नानक बाजे तूड़ तेन सब तरही दर पड़ियागा मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़ियागा पुकार न व्यापई कंठ मिलिया नर नावा मन बेदे आचर नार बिंद दर्शन लगड़ा तागो पूरा महीना सत्तर दिन आंदा हूं गुरु अंग साहब जी महाराज बाहर वाली सर्दी देनी ये सर्दी तो असि हर साल कहने गर्मी करा गर्म कपड़े पाले सर्दी हटी सेक लिए गर्मी हटती कमरे चले गए गर्मी हटली हीटर रख लिया गर्मी हटती उन्होंने ना कि सर्दी तो है जी मां के पेट च दुख उठाने भैने भैने जूना जाने नरक जाने उस महीने अक्सर दो दो कट्ठे पैदे ने करके पालन लगे कहने जी स्त्री पति के गोलचन पाला किसे क्या मतलब कि जीवनी रूह ने पंचन करके मालिक के गोद पहुंच गई उन्हें पाला किथे उन्हें नरक किथे उन्हें भैनी दुनिया किथे वो बेपरवाह के बस ने उन्होंने चरणा च ने उन्हें दर्शन कर दिए ने उन्हें चरणा च निवास कर दिए ने वो हमेशा दे सुख पहुंच गए सब दुखों से परे हो गए दुख उन्हें नेड़े ही नहीं भूख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया कर नावो मन दे आचर नार बिंद दर्शन लगड़ा तारो ओत गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लागो दिखिया पोगे न सकई मिल साधु गुण गावो उन्होंने पंचन करके शिव जी का सच्चा लाहा खट लिया वो हर वक्त मालिक की ओट च ने मालिक की छतर छाया थले ने वो हर वक्त साधुओं ने उन्होंने मिलाप साधुओं है मालिक साधुओं मिलकर अपने मालिक से गुण गाँव ने विषय विकार शराब तबाह उधर ख्याल उन्होंने जाता ही नहीं वो हर वक्त
ऐसा मेरे पीने ने के जिड़ी मेरे से ला प्यान है। ओत गोविंद गोपाल राय देवा स्वामी लागो दिखिया पोवे न थकई मिल साधु गुण गावो जैसे उपजी तह मिली सची पीत समावो कर दी पार ब्रह्म बहुर न बिछड़ी आवो सचखंड नामी तो आप सोहन के देश आए फिर पर ब्रह्म दे आई फिर ब्रह्म देश की हिंदी हुई इतनी ज्यादा फस गई उन्हें दुख उठानी पी है जब उन्हें कोई कम साधु मिलिया उन्होंने तरीका दसिया इन्हें मेहनत की जेड़े रास्ते आई थी उस रास्ते वापस चली गई अपने घर पहुंच गई यह जन्म मन मुख्या बगैर साधुओं के कम साधु तेन ठीक रास्ता नहीं मिलता तेन जितों आई थी अगर इन्हें कम साधु मिलिया तो इतने पहुंच गई ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਮੁਕਿਆ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈਨੀ ਤੱਤੀ ਪੀਤ ਸਮਾਵੋ ਕਰ ਗਲੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜੀ ਆਵੋ ਬਾਹ ਜਾਓ ਲਖ ਦੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਵੋ शर्म पई नारायण नानक दर पई आवो मन का शुक्राना कर देवे पहुंच गई कि मेरा पति अकाल पुरख खंडा ब्रह्मंड का मालिक है उच्ची तो उच्चा है परे तो परे है गम ना गा है मैं की पई कर सकती थी मैं कभी शामिल पैगी वे क्यों मेरा बंदोबस्त करेगा करें उन्हें आपके काम साधु बनाया आपके नाम जिताया उन्हें अपने जिले की लाइट पाई अपने काम ले गया धर्म पई नारायण नानक दर पड़िया गो वो कुछ मंदा सर्ब चुकी जिस बख्शे बेपरवागो कहीं पूरा महीना क्या मनुख जन वो सफला कर गए जिन्हें दिन बाद की मेहर की काम साधु मनाया नाम जपे मर्द दरबार पहुंच गए बाकी बर्बाद करते चले गए मांग मंगल सब साधिया पूरी कर स्नान हर का नाम ते आए सुन सब नो कर दान गलना छड़ दो भाई ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਕਰਦਾ ਰੁਪਰਾਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੀਰਥ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਤੀਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤੇ ਏਕ ਫਲ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਫਲ ਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੰਤ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀ ਤਾਂ ਚੌਗਣਾ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਫਲ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ संत समागम संत समागम संतो तीर्थ और नहीं संसार मज्जन कर्त जन के कर्त पातक कर्त में लागे बात
क्या संतान का स्वागत है बाहर तो तंतु पर जाओ उन्हें स्वागत मंदिर मारा ना पता लगता है वो तो तीन मंदिर ने कहू ग्रंथ करने तो मंदिर पूरी करे मार मंदिर संसार में पूरी कर स्नान अगर तू मर्जी करनी अगर तू मर्जी का स्नान करना की कर संता को जा उन्हें धूल च स्नान कर जी असली पीड़ा हो रहा थी बाहरी पीड़ी में नमस्कार कर दिया पर जी संतान में असली पीड़ा भी अंदर है तो क्यों मिलती है उस हिसाब से छिन छिन सुख सुमार लाभ दृत्य करो कि मिन छिन से छिन छिन से अपने ख्याल में अखों के पीछे इकट्ठा कर सुमन कर इस बैठ के छिन छिन सुख सुमार लाभ दृत्य रहो तन मन वर्तन मन सार सुख से रहो तन का प्यार छड़ दे मन के विषय विकार छड़ दे ये सारी चीजों का ख्याल छड़ दे एक मुसलमान जी ने लिखा है कि अगर तुम मात्र मिलना है तो की कर गुरु के पीछे दौड़ना भजना छड़ दे विषय विकार छड़ दे सुमिर कर और दिन तक निमित का प्यार कर ये दिन का निमित्ता ना पैसे में करे ख्याल में इकट्ठा अखा ने पीछे इकट्ठा करे जब सारे ख्याल छड़ के सुमिर करता है सारी दुनिया में ख्याल निकल जाते हैं लगन मेरे लखार सार तक पाया जब पूरी लगन का सिमन किया अगर एक मिनट भी ला गए पूरी लगन ना बस रकम बन गए एक मिनट जो सिमन में गया तो एक दिन सदा फिर गया एक चित्त दिन एक चिंता और काल फांस के बीच ना आयो जब कहीं पूरी लगन ना किया ख्याल से इकट्ठा होया तो सार वस्तु आ गई बोली अरे यहां तो फिर संत चरण से नूर नूर बताया उसे तो जरा नूर है वो संत चरण की कूड़ है कहना अगर स्नान करना तो वो कर बाहर नहीं तू भी अभी नमस्कार कर दिया पर असली पूरा है एक दफा अस गंगानगर से कुछ नहीं जानते पुराने शायद जान गए करतार सिंह से थी उम्र पहला पहला गया थी रात में दो बजे मस्जिद खत्म हुई मुसलमान जी अंदर जाने लगे जब मुसलमान जी उठे अली कर्म चले रहे तो उन्हें जितने मुसलमान जी बैठे सुखा मिट्टी कटी सामने खड़े हैं तू रास्ता ला जाते तू तेन की करेगी तू अंदर आओ कद तू मेहनत नहीं की आराम ना गया मौत देगा तो तू पूरे के अंदर आया बाहर तोड़ती है हुक्म मनना जब हुक्म मन के अंदर जाता तो सब कुछ मूल सूच के आता तो अगे नहीं ला जाता है अगे दस मिनट द्वार के बीच असली अमृतसर है सच्चा अमृतसर है कहा अंदर अमृतसर सच्चे मन पूरे पास वाई वो अमृतसर के अंदर है उसके नाम का पानी है वो पापा जी मैल लाने वाला है अच्छा तीर्थ नाम है तीर्थ कट नारा का उन्होंने कहा ये बात मैं चरणदास ने किया अच्छा तीर्थ तेरे से बाहर क्यों भटकाए चरणदास ने कहा था उल्टा हो घटाए वो प्राग के अंदर है पीड़ा पीला सुखना तीन बजे खाई बहनी संगम से प्राग मंगन दिन करे बताए कहीं मर्जी है तो ये कर तो पापा ने मैं लाने वाला है मर्जी करनी है तो ये कर ये मर्जी है असली देखी जाए कि अंदर स्नान करे वो पापा ने मैं लाने बाकी कोई नहीं असं रोज पढ़ते हैं पढ़े हथ पैर तन दे पानी धोते पुरुषे मुफ्त नीति कपड़े दे सब धोए पर ये मत पापा के सामने तो पहना मा के रंग तो अगर हाथ पैर मिट्टी में खराब हो जाए तो पानी में धो लो जो ज्यादा कपड़े खराब हो जाए तो फिर पेशाब ना तो साबुन में धो लो लेकिन पापा ने मैल लाने वास्ते वो नाम का तीर्थ के अंदर है वो पापा ने मैल ला सकता हो नहीं बाहर नाके पिंड की मैल जरूर लग गई पर यह भी पता नहीं लगी ये लग गई है सोचो ऐसे खुशबू पड़ी है खुशबू आई ना मेरे तो बदबू के ढेर ला गए खड़ाऊगी जितने महात्मा ने भर्ती की उड़ी पड़ लै रहा तो तीर्थ बने जब तुझे शराब खराब खिचन लग जाए फिर कितने तीर्थ रहू बोलो कितने रहू तो कहीं माघी कंते कर क्या माघ मंजन संसाधना पूरे कर स्नान हड़का नाम त्याय सन सबना करदान चलो जी मैंने बिना सब कहीं मन पूर मंगे तो गुरु सिख की जो आप देते अपना नाम दिखा दे क्यों जो आप जपता तो दूजे ने भी छुपाऊंगा कहना और मोबाइल का सुनने में क्या मैंने तू मानते हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜਪੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੰਗ ਮੰਗਲ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਇਸ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਣ ਸਭ ਨਾਮ ਕਰ ਦਾਨ, ਜਨਮ ਕਰਨ ਮਲ ਉਤਰ ਮਨ ਤੇ ਡਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਕੈ ਲੋਭ ਪੁਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰਾਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਸਮਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲੇ ਤੂੰ ਜਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਯਾਦ ਦੇ ਦਰ ਹਰੀ ਨੇ ਤੇਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਦ ਸਿਮਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਜਨਾ ਨੀ ਮੈਲ ਖੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੈਲਾਂ ਛੱਡਦੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀ ਫਰਕ ਹੋਊ। ਜਨਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਰ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਕੈ ਲੋਭ ਪੁਆਨ। ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਚ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਕਾਮ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਨੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਅਥਤ ਤੀਰਤ ਸਗਲਪਨ ਜੀਤਾ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਗ ਮਿਲੇ ਸੱਚਾ ਰਾਹ, ਅਗਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮਰਗੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਰਗ ਦਰਗਾਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਝੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਪਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਸੀਕਾ ਫੋਲ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਉਸ ਲਊਗਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰਗਤੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਹਾਥੀ ਕੋੜੇ ਨਰਕ ਵਗੈਰਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਹ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਾਵੇ ਕੌਣ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਅਸਤ ਤੀਰਤ ਸਗਲਪਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇ ਇਹ ਮਾਘੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਘੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਘੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਲਕ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਾਘੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਘੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਲ ਕੁਰਬਾਨ,
मार्ग सुते से कांडिया जन पूरा गुरु निर्वाण कंजरे मार्ग सुती निर्मल होगी पास होगी खड़े होगी खजाने दुनिया के होता है नहीं पर नोटन के सजन के उदिन खड़े के खोते रुपये खड़े खोते के उदय थी ना खड़े पर खजाने के आखिर खोते पर इसी तरह जी ने मार्गी की साफ हो गई और मार्ग दरगाह खड़े होकर दाखिल की थी बाकी सारे रद्द करते बड़े चुकी गई बाकी रहे यार बाकी फिर हम गिरे हाँ जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तन कुर्बान मार्ग चुके से कांदिया जिन पूरा गुर निर्वाण फल गुणानंद उपार जना हर सज्जन प्रभ ते आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सभी का महीना बाहर का मौसम होता है चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है कितने फल लगे ने कितने फूल लगे ने लोग फसलां देख देख के खुश होते हैं कणक पकड़ आ रही है मेरी फलानी फसल पकड़ आ रही है देख देख के खुश होते हैं बच्चे पतंग रहते ने होलिया खेलते ने मगे दफा होलिया खेलते ने इस खुशी कहीं असली खुशी ओरी है जिन्होंने परिश्रम करके अंदर सब को प्रगट कर लिया वो सच्ची होली खेलना है वो सच्चा फंकन का महीना है वो सच्चे वो जन सफला कर दे हर गुण आनंद उतार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए पर हिंदा कोई नहीं जगह जगह हिंदू है हर हिंदू को हिंदू है कहीं अगर उन्होंने पूछिए जो आनंद तुम्हें हासिल किया वो खुशी तुम्हें हासिल की तुम्हें मालिक को पहुंचे तेने संतान करिए प्रेम सिख तेज सुहारी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए एक पुन्नी वद पादनी वर पाया हर राए कहीं ने मर्ग की स्नान किया मेरे रूह साफ हो गई मर्ग दरकार चली गई शेष आ गए क्या उची तो उची खुशी दे देश उत कि दुख नहीं दुखा की हद तक लोग तक है दुखों की हद तक लोग तक है उस हद की कोई दुख नहीं उतने सभी खुशी खुशी आनंद आनंद प्रेम ही प्रेम है तेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए एक पुन्नी वद पादनी वर पाया हर राए तुम सारी इच्छा पूरी हो गई मालिक मिल गया असली पति अगर होगा वो मिल गया खुशी पहुंच गई शांति पहुंचती हमेशा के नाम पहुंच गई मिल सैया मंगल गावरी गीत गोविंद अलाए हर देवा अवर न दीपी कोई दूजा लगा न लाए जिन्हें कोई बाहरों पैसे खर्च के आंदा इधर मुल्क उधर आंदा तो फिर बंबई जाता किसी कटे जाता कोई कराची जाता कोई दिल्ली जाता मिलने वास्ते स्वागत वास्ते कोई स्टेशन पे जाता है जो रिश्तेदार ने रास्ते को मिलते हैं वो खुशियां करते हैं इसी तरह जब गुरु अंदर जानते हैं तो जेड़े जेड़े देश की जानते हैं वो खुशियां करते हैं वो कहीं तन्ना से जरा मुंह मार दे छड़ के आई सच खे रूह उसे खुशियां कर दें तो उन बधाइया मिलियां ने कि तेरे पति वर्गा कोई नहीं तुम ऐसी जगह देती है तुम ऐसी जगह ले आ जिसने जमना ना मरना हूं हमेशा के पहुंच गई है इस बार दुख तेरे वास्ते कोई नहीं तू करने वाली है मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर देगा अमर न बीती कोई दूजा लवे न लाए
पल पतवार ने चल बितियन जाए संसार सागर ते रखियन बहुत न जन्मे पाए। हज पंथ क्या लोग तो लोग तेरा सारा सुधर गया तो ऐसी जगह पहुंची है तो मुंह तो जाने नहीं पैना तो जन्म मन मुक गया। हर पल पतवार ने चल बितियन जाए संसार सागर ते रखियन बहुत न जन्मे पाए। जिंदा एक अनेक गुण पर नानक चरणी पाए। हर गुण नित चलाई है जिसनो चल न कमाए। जरूर की कमी है कि मैं अपने से कुछ भी ना बनिया मैं किए तो गुण गा सकती हूँ मेरे जीव के एक बड़े अनेक गुण ने मैं किए तो गुण गा सकती की भर्ती कर सकती हूँ। मेरे तो होर तो कुछ ना होते चरण दिखते ही गुरु जी लाल को अपने नाल लगा लिया मैं की गुण गा सकती हूँ। यह सब एक मेहर है मेरा कुछ नहीं जिन्हें फकीर गए ने वो सारे ही कहने काल सियाण पुख ना मेरे पूरे गुरु कमाई मेरा कुछ नहीं सब एक मेहर है। जिंदा एक अनेक गुण करे नानक चरणी पाए। हल गुण नित चलाई है जिसनो तिल न तमाए। कहे तो कौन कौन जाए कि मेहर हुंदी है जो सारी गुण की इच्छा छे विशेष कारण तन का प्यार छे किसी चीज की इच्छा न रखे मालक देकर मालक तू ही चाहिदा है वो तो मेहर हुंदी है। जिन जिन नाम ते आया तिनके ताज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। फिर जाके सारा खत्म करके की कहने ने के तुम जाके जिन आदमी की तुम्हें मिली है तनक पड़न लाई है फिर वे पर्दा वो है जिस जिसने भी नाम जपया जिस जिसने नाम जगह पर्दा ना गई थी जिस जिसने नाम जप लिया मालिक दरगाह पहुंच गए उन्हें सारे काम पूरे हो गए सारी इच्छा खत्म हो गई किसी चीज की कमी नहीं रही मालिक दरगाह चले गए बाकी जिन्हें नाम जपया वो तो बर्बाद करके चले गए जिन्हें जप लिया मालिक दरगाह पहुंच गए वो खड़े होकर मालिक खजाने के रखे गए। जिन जिन नाम ते आया तिनके ताज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। सर्व सुखा निद चरण हर पौजल दिखम तरे प्रेम भगत तिन पाइया बिकिया नहीं गए। तुम सारे ने सुखा ने सुख नतीजा किया सुख हासिल करन दा कीड़ी चीज है असर सर्व सुख के ना मिल जाएगी सिर्फ सतगुरु के चरण सतगुरु के चरण में प्यार करना अंदर प्रगट करना बस ये सुखा ना वाला काम है हो कोई नहीं कितने सुख ये सब अपना दूर करने वाला है। कहीं जिन्हें सतगुरु ने प्यार पाया सतगुरु की भक्ति की मालिक दरगाह पहुंच गए उसे सारी अपना दूर हो गई पर पहुंचे कौन कहीं मालिक प्रेम और मिलने रास्ता प्रेम है साथ कहूं सुन लो सभी दिन प्रेम किए तुम ही कर पाए। तो प्रेम का सदा प्रेम प्रेम भक्ति न पहुंचे नहीं जिन्होंने ख्याल छंड गए जिन्हें विषय विकार छंडे तन का प्यार छंडिया पंचम पिता रात में जागे ये मालिक का प्यार करना है रात में जागना घट खाना घट सोना नाम जपना जरा प्रेमी है तो जरूर करना तुम्हें प्रेम भाती में पहुंचने ए नहीं हुए जिन्हें जिन्हें सारे ख्याल छंडे एक मालिक मालिक रखा वो मालिक दरगाह जाए ने वो उन्होंने सतगुरु के चरण प्रगट किए ने। सर्व सुखा निद चरण हर पौजल दिखम तरे
प्रेम भगत तिन पाईया बिकिया नहीं बरे उड़ गए दुबदान की पूरन सच परे पार ब्रह्म प्रभ सेवन दे मन अंदर एक तरे लेकिन सर्व ख्याल लगे रहे सो बैठे खड़े ताने कह कबीर हम भाई ठिकाने कहते हैं गए डुबदान की पूरन सच धरे पार ब्रह्म सब सेवन दे मन अंदर एक धरे महादिवस मूर्त पले जिसको नदय करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे कहीं कोई मुना कोई कड़ी है कोई कहना है वो मुहारे का जो भक्ति को लग जाए या जिंदा होते हुए लग जाए तब वो भी समाल होती है तब वो भी समाल होती है गुरु नानक सर बेनती करते हैं क्या मालिक सब कुछ नहीं चाहिए तेरे दर्शन की लौड़ है तू क्यों नहीं दे दर्शन दे महादिवस मूर्त पले जिसको नजर करे नानक नंदा दर्श दान कृपा करो हरे बहुत नगर पे है उन्होंने वादा कर चुके हैं जिन्होंने नाम लेना उठे चले जाए उठे नाम देने जिन्हें नाम लेना हो उठे पहुंचे प्रसाद के बाद जिन्हें नाम लेना हो उठे पहुंचे उठे नाम देंगे बस उठे होके आ जाएंगे फिर उसी बन जाना चिता भी जाना है 21 और 22 तारीख का सत्संग खारी है खारिया जाने वास्ते सतगुरु की दया में 21 और 22 तारीख का भाजा गांव में सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। आप सबसे बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग में आए सत्संग में 3 टाइम जैसे जाती है सुबह 9 बजे दूसरी 2 बजे और तीसरी 6 बजे पंद्रह से ट्रैक्टर का प्रोग्राम है ट्रैक्टर रहेगा 4 बजे घर बाकी इलाका भी आया थे इलाका बाली में हम चुप करके बैठे में दरवाजा पाने लगे हैं फसल चाहन नहीं फिर नाम से कोई नहीं करना फिर भी गल नहीं फिर करती ये दूसरे मुल्क में जाके देखी थी नहीं इतने तुम्हें मत मत पढ़ लेकिन कही हो ऐसे कही तो हाँ तुम बाहर जान देना शहर जाने फिर लाहौर दिल्ली तो इतने बड़े सारे रहे हैं अपने झंडे एक एक काम बिहार जाना ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ
ਜਨਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।